बुक्स को स्पेशल सेल्स में रखा जाता है, किसी बुक होल्डर में रखा जाता है और हाइलाइटेड तरीके से रखा जाता है। यही चीज हमें वर्ड समझाना चाहता हूँ। सर्च इंजन, सर्च इंजन होता है जैसे आप पहले ही ऐसा हो कि उस कंटेंट में जो लिखी हुई बात है वो बातें क्यों है अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 रैंकिंग में लाना, अपनी वेबसाइट को एक ऐसे। आज के इस वीडियो में मैं फ्राइडे समअप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया है तो मंडे को मैं आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। इसलिए आज सैटरडे को एक एड ऑन वीडियो है और फ्राइडे समअप वीडियो जल्दी ही रिकॉर्ड करेंगे और आपको पोस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहता हूँ ऑन पेज SEO के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को इफ़ेक्टिव वेबसाइट बनाना है, अपनी वेबसाइट के कंटेंट की इफ़ेक्टिवनेस के लिए काम करना है, तो आप उन टॉपिक्स पर लिखें जो कि आपके इंटरेस्ट के टॉपिक हैं, ताकि उनके बारे में आप ज़्यादा रीड कर सकें, उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से लिख सकें, बिकॉज आपको उसकी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। रिमेंबर योर साइकिल डेज, साइकिल ट्रेनिंग डेज। ओके, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ साइकिल ट्रेनिंग डेज कंसेप्ट, बट अगर देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ कल का वीडियो जो भी देखिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, उस टॉपिक पर आप पोस्ट लिख रहे हैं। लेकिन अब ऑन पेज SEO के लेवल पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे एक खास वर्ड जिसे टेक्निकली हम ज़रूर समझना चाहेंगे अगर हमें एक अच्छा SEO लर्निंग करनी है, अच्छा SEO सीखना है, अच्छा SEO करना है अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए। वो है कीवर्ड। कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होता है कि जैसे आप एक टॉपिक अपने इंटरेस्ट से सेलेक्ट करते हैं तो उस इंटरेस्ट से सेलेक्ट टॉपिक से रिलेटेड सर्चेज इंटरनेट पर अवेलेबल होनी चाहिए, काफ़ी लोग उस टॉपिक को सर्च करते हुए होने चाहिए, तभी तो आपके लिए ज़्यादा विजिटर्स अवेलेबल हो पाएंगे। बट वो विजिटर्स जो होते हैं वो क्या वर्ड्स को यूज़ करके उस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं? जैसे कि आपका टॉपिक अगर है दिवाली, आप अपनी एक पोस्ट लिख रहे हैं दिवाली के ऊपर, दिवाली पूजन, तो कुछ आप सर्चेज इस तरह से पा सकते हैं गूगल पर, व्हाट इज दिवाली पूजन मुहूर्त टाइम, हाउ टू डू दिवाली पूजन। ओके, अगर आप इस तरह की कुछ सर्चेज देखते हैं तो रिजल्ट्स मिलते हैं साइड में, और बिल्कुल लास्ट में पेज के नीचे गूगल आपको कुछ और सर्चेज के ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ब्लू कलर में होते हैं। उनका मतलब ये होता है कि इस वर्ड से आप सर्च कर रहे हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और लोग इन वर्ड्स को डालकर सर्च कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स ही कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी नई नई वेबसाइट है, नया नया ब्लॉग शुरू कर रहे हैं आप, तो अपने टारगेट जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कीजिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि दिवाली पूजन, जस्ट टू वर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड, हाउ टू डू दिवाली पूजन, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, व्हाट इज दिवाली पूजन मुहूर्त, लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो जो बड़ा सेंटेंस होगा, कुछ 4-5 वर्ड से बना हुआ कीवर्ड होगा, उस पर आप जल्दी रैंक पाएंगे, बनस्पत उसके कि आप दो वर्ड से बने हुए कीवर्ड के ऊपर फोकस करें। ओके, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उन वर्ड्स को टारगेट करें जो आपके लिए आपके टॉपिक से रिलेटेड सर्चेज वाले सेक्शन में अवेलेबल हों। लेकिन सही बात यह है कि ऑन पेज SEO के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है अपने कीवर्ड्स को जज करने, कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं और मैं आपको इसके बारे में आगे के वीडियो में बताता रहूँगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक पाएगी और ज़्यादा विजिटर आपके उस पोस्ट पर आएंगे, और इस तरह की कई सारी पोस्ट अगर आपके ब्लॉग में या वेबसाइट में हैं तो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर ज़्यादा विजिटर्स आ पाएंगे। यही हमारा ऑन पेज SEO का मकसद है, जितने ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, जितनी ज़्यादा शेयरिंग होती है, उतनी जल्दी SEO रैंकिंग भी बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही।